परम शांति। देखिए, हमारी मुक्ति होगी ऐसा संकल्प हम क्यों करें? पहली बात, क्योंकि हम ज्ञानी हैं तो हम ऐसे संकल्प हमें करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये संकल्प जो है ये हद की दुनिया के हैं। अगर मुक्ति का संकल्प करेंगे तो हमें हमारी आत्मा में बल नहीं आएगा, हमारी आत्मा में पावर लॉस ही होगा। तो मुक्ति के संकल्प मत करो, पहली बात। दूसरी बात, हमें जीवन मुक्ति में ही जाना है और इसीलिए हम परिश्रम कर रहे हैं। मुक्ति के लिए तो पूरी दुनिया मोक्ष के लिए तो धक्के खा ही रही है, लेकिन मोक्ष किसी को मिलता नहीं है। मोक्ष उसी को मिलता है जो कर्मातीत स्टेज पे पहुंच जाए, फीलिंग और भावनाओं से परे चली जाए, और तब जाके जो है वो प्राप्ति होती है। लेकिन वो भी जनलोक महलोक तब लोक तक पहुंचने के लिए, बाकी तो सब आत्माएं भूत बन के धरती पे ही घूम रही है। तो इसलिए पहली बात, मुक्ति की बात छोड़ दो, बात रही जीवन मुक्ति की, कब होगा कैसे होगा, तो समय पे इंतजार करो हर चीज। अगर तुम्हें धरती पे भगवान मिला है तो उसका मजे लो ना, एंजॉय करो, मजे करो, दिमाग में खुशी रखो। क्यों दुख को लाते हो? क्यों फीलिंग में आते हो? फीलिंग में आओगे तो आत्मा में पावर लॉस 100% होगी, और जब आत्मा में पावर लॉस होगी तो फिर तुम्हें मुक्ति के ही संकल्प आएंगे। तो ये मुक्ति में के संकल्प आना माना आत्मा में पावर लॉस होना। तो हिम्मत रखो ना, जब परमात्मा खुद इतनी हिम्मत रख रहा है तो फिर हमारा क्या जाता है? समय जो भी लगे, 19-20 जो लगना है लगे। हमने तो जब तक धरती पे है तब तक तो हमें अपने कर्म करने हैं ना। फल कब देगा परमात्मा वो उसके हाथ में है, कब वाइंड अप करना चाहेगा वो उसके हाथ में है। लेकिन जब तक है हम तब तक अपने काम करते रहें, ईमानदारी से ड्यूटी करते रहें, यही हमें सिखाया गया है और हमें यही करना चाहिए। क्योंकि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचोगे तो दुखी होगे तो फीलिंग आएगी तो आत्मा में पावर लॉस होगा। तो फीलिंग में नहीं आना चाहिए और समय के ऊपर छोड़ना चाहिए। बाकी तो आत्मा की हर एक स्टेज ऊपर नीचे होती रहती है। जब ज्ञान सुनती है तो पावर आ जाता है, फिर माया में चली जाती है, पावर लॉस हो जाता है, दुखी हो जाती है। तो हमेशा ये सोचिए, सुख और दुख ऊपर नीचे अगर ये चल रहा है कोई बात नहीं, पर भावनाओं में नहीं आना है। भावनाओं में आना बहुत बुरी बात है, उसमें दुख में आना तो बहुत ज्यादा दुख की बात है। तो ठीक है, हिम्मत रखो, हम सब कर ही रहे हैं अपने हिसाब से, और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। ऐसा अगर आपको सपने बुरे आ रहे हैं और आपको, तो ये आपका प्रॉब्लम है। आपको बुरे सपने इसलिए आते हैं क्योंकि आपके मन में डर है, आपके अंदर भय है। जब भय और डर निकल जाएंगे तो सपने भी अच्छे ही आएंगे और दुनिया अच्छी ही होने वाली है, क्योंकि सभी बीज रूप आत्माएं परिवर्तन के लिए योग लगा रही है, परम तत्व उतार रही है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बदलाव को देखने की कोशिश करो, नेगेटिव चीजों को देखना बंद कर दो। जब नेगेटिव चीज को देखना बंद कर देंगे तो पॉजिटिव ही देखेंगे, तो हमारे अंदर उत्साह और बढ़ता जाएगा। न्यूज़पेपर देखना बंद करो, फालतू की टीवी देखना बंद करो, तब आत्मा में पावर ठहरेगी और तब कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं कि हम रूटीन जीवन जीते ही रहे, फिर हम बातें बड़ी बड़ी करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। जीवन को बदलना होगा, सिंपल लाइफ करनी होगी, परमात्मा की याद में जीना होगा, तब जाके जो है हमारी आत्मा में पावर ठहरेगा और तभी हम विश्व कल्याण कर पाएंगे, तभी हमारी कर्मातीत अवस्था बनेगी, निर्संकल्प अवस्था बनेगी। तो ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल तो कोई भी काम, जब समझ नहीं होती, जब ज्ञान नहीं होता तो वो मुश्किल ही होता है। जब ज्ञान आ जाती है, समझ आ जाती है, आत्मा में पावर आता है तो हर चीज आसान है। और हमारे साथ तो परमात्मा है, वो हमेशा करवाता है। हमारे खुद के हिसाब से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो आकारी बाप हमें पावर दे रहा है, शक्ति दे रहा है, उसका रूप हमारे हरेक के साथ है, हिम्मत भी दे रहा है, मोटिवेट भी कर रहा है। तो बस हमें वेट करना है और पॉजिटिव संकल्प, जीवन मुक्ति के ही संकल्प करने चाहिए, और अपने अंदर इतना ज्ञान की जो स्टेज है रहनी चाहिए, माइंड में ज्ञान ही रहना चाहिए, तो जीवन जीने का मजा आएगा, तो दुख जरा भी नहीं रहेगा। तो अपने आप को मोटिवेट करो, पावरफुल करो, देखो कितना आएगा जीवन में आनंद। परम शांति।